देश की राजनीति में जय और वीरू, जी हाँ, वर्तमान पॉलिटिकल सिनारियो में, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं कि जय और वीरू की भांति अपने राजनीतिक कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है कि वो उनका पॉलिटिकल सर्कस देख भर रही है। ऐसे में जब बारी आई बिहार की अग्नि परीक्षा की तो ये दोनों जय और वीरू मात खा गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में अब की बार नीतीश कुमार की नारे की। जी हाँ, जिस तरह से बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा बहुमत मिला, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि ये हिंदुस्तान देश है महाशय, यहाँ पर वन मैन शो है कि चलने वाला नहीं। लिहाजा बीते साल 2015 में बिहार में बाहर भी आ गई और विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, या कहा जाए वो जय और वीरू को, यहाँ पर कटघरे में खड़ा करके चली गई। चुनाव नतीजे जरूर यहाँ पर सामने आ गए, लेकिन बिहार में एक नारा है कि वो अब भी लोगों की जुबान से उतरने का नाम नहीं ले रहा है, नीतीश कुमार। बिहार में बाहर, अब की बार नीतीश कुमार। जी हाँ, ये वो नारा था जिसके जरिए तमाम राजनीतिक दलों ने यूं तो बहुत सारे आरोपों के कटाक्ष जो है नीतीश कुमार के सामने भेजे, लेकिन इन तमाम आरोपों को दरकिनार कर जनमत हासिल करने में सफल हुए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश की कौन सी रही बीते साल 2015 में मदमस्त चाल, जरा देख सुन लेते हैं इन खास पंक्तियों के जरिए। तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट, इंसाफ नहीं मिला। बिहार में बाहर चलिए एक बार फिर वही नारा जनहित में जारी है कि बुरा न मानो नया साल है। इस खास पेशकश का हमारा मकसद है आपको कुछ चंद गीतों के जरिए राजनीतिक कहानी को गुनगुनाना और बातों ही बातों में पिछले साल की याद दिलाना। जी हाँ, बीता साल 2015 अपने पीछे 15 ऐसे बड़े चेहरे छोड़कर चला गया जिन्हें हमने एडिटोरियल की नजर से 15 फेसेस ऑफ
2015 के तौर पर निरूपित किया। आगे बढ़ते हैं और फिर एक बार यही नारा बुलंद करते हैं कि बुरा न मानो, नया साल है। आगे बढ़ते हैं और राजनीति में जब जब चारा घोटाले का नाम आता है तो लालू प्रसाद यादव हैं कि लोगों की निगाहों पर और लोगों की जुबां पर चढ़ जाते हैं। इस बार भी लालू प्रसाद यादव तमाम राजनीति में नैतिकता के गिरते पतन की परिभाषा को कहीं दूर पीछे छोड़कर एक बार फिर अव्वल साबित हो गए। जी हाँ, जिस तरह से उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव को बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद तो यह कहना जरा भी यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे हिंदुस्तान देश में सब कुछ चलता है, या कहा जाए सब कुछ जायज है, या यूं कहें कि राजनीति की दृष्टि में सब गोलमाल है। जी हाँ, किस तरह से लालू प्रसाद यादव बीते साल का एक बड़ा चेहरा न केवल बने और 15 फेसेस ऑफ 2015 की इस लिस्ट में उनका चेहरा भी शुमार है। और वो कौन कौन से गीत हैं जो कि लालू प्रसाद यादव पर भी फिट बैठते हैं, जरा देख सुन लेते। जनता दल है समर्पित निस्दिन देश प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल है समर्पित निस्दिन देश प्रदेश में, लोहिया दे पी कर पूरी सा संग लालू हर क्लेश में, लोहिया दे पी कर पूरी सा संग लालू हर क्लेश में, रचरा जद के वेश 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 में, रचराजत के वेश में राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। चलिए एक बार फिर वही संदेश आप और हम मिलकर दोहराते हैं और मुस्कुराते हुए फिर कहते हैं कि बुरा ना मानो, नया साल है। आगे बढ़ते हैं और 15 फेसेस ऑफ 2015 में फेसेस की बहुत सारी बातें हो गई, चेहरों की बहुत सारी बातें हो गई और चेहरों में छिपे गहरे राज भी यहां पर बेपर्दा हो गए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहां पर कोई चेहरा नहीं है जनाब, ये यहां पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बीते साल में बहुत सारी चर्चाओं में रहा, आपके हमारे किचन से थोड़े दिनों के लिए दूर जरूर चला गया, बाजारों में उसके ऊपर विरोध के बादल भी मंडरा गए, लेकिन वो है कि बीते साल की कहानी खत्म होते होते लौटकर आपके हमारे किचन में फिर वापस आ गया। जरा अंदाजा लगाइए आखिर ये कौन सा प्रोडक्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी हमारी हम सबकी प्यारी उस मैगी की। जी हाँ, 2 मिनट में तैयार हो जाने वाली मैगी जिस तरह से हिंदुस्तान देश में सुर्खियों का विषय बनी तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए भी विरोध का मुद्दा भी कहलाई। किस तरह से मैगी को भी जो है बीते साल की एक बड़ी खबर माना जा रहा है और मैगी पर लगे प्रतिबंध के बाद किस तरह से मैगी को वापस बाजार में लाने की कवायदें जारी हैं, जो कि नए साल यानी कि 2016 की दस्तक के साथ बाजार में अपना ऊंचा ग्राफ तैयार करने के लिए कदम बढ़ाने वाली है, ये भी जरा देख सुन लेते हैं। और आखिर वो कौन सी है ये तेरी मेरी मैगी जो कि 2 मिनट में हो जाती है तैयार, जरा इन पंक्तियों के जरिए आप और हम एक बार फिर गुनगुना लेते हैं। दो मिनट में हम 10-10 मिनट लाते रहे, शामो सुबह मैगी खाया पेट पेरा दुखने लगा, मैगी जहर एक है चाइनीज से मैं हूँ अब जुदा, तेरी मेरी ये मैगी।
बनके जो लेड बरसे ये बारा वाली मैगी तेरी मेरी ये मैगी मसाला वाली मैगी बनके जो लेड बरसे ये खुशियों वाली मैगी मैगी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैगी में हानिकारक तत्व मिलने के बाद आज उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले समेत 6 लोगों के खिलाफ कोल्ड ड्रिंक में भी तो फिनाइल मिली है सरकार मैगी के पीछे दुकानों में कोई मैगी नहीं है खिचड़ी से जीना है बेसन से मरना है मम्मा को कैसे कहे शामो सुबह तू मेरा तेरे बिना क्या मेरा दो जिस्म जा एक है चलिए जनाब बुरा ना मानिए ये नया साल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आमिर खान की। जी हाँ साल में यूं तो 365 दिन होते हैं लेकिन आमिर खान की एक ही फिल्म ऐसी हिट साबित हो जाती है जो कि 365 दिनों में 364 दिन आने वाली तमाम फिल्मों पर भारी पड़ जाती है। लेकिन अब की बार आमिर पर उन्हीं की बोली भारी पड़ गई। जब देश में टॉलरेंस और इनटॉलरेंस पर बहस जारी थी या कहा जाए सहिष्णुता के विषय में असहिष्णुता कहीं ना कहीं हावी थी, ऐसे में आमिर खान के बेबाक बोल कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है ये कहीं उन पर भारी पड़ गए और बॉलीवुड इंडस्ट्री का पीके यहाँ पर थोड़ा दबता चला गया। वो कौन कौन सी पीके की ऐसी बातें थी जो कि बीते साल 2015 में उन्हें बना गई साल का बड़ा चेहरा और आने वाले साल 2016 में कहीं ये गलती फिर ना दोहराएं आमिर खान, ये सीख ये पाठ भी उन्हें यहाँ पर पढ़ा गई। इसीलिए देख लेते हैं कि आमिर खान पर यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीके पर वो कौन सी पंक्तियां हैं जो कि बिल्कुल फिट बैठती हैं। मिसिंग कोई एक्सक्यूज मी आप ये पर्चे क्यों बांट रहे हो? अरे हमारा रिमोटवा चोरी हो गया।
हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम डीके है। ओ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पद्दू है। पद्दू? पापा ने तो बहुत डेंजर नाम दिया था, पद्मनी। मैंने सॉर्ट कर दिया, पद्दू। बहुत ही अच्छा नाम है। आप क्या करते हो? खाली टाइम में लॉकअप में चेकिंग कर लेता हूँ। कैसे? हमें पीछे आओ, दिखाता हूँ। यहाँ रुका। ए ठुल्ले, ये देखा? भी देखो तन्ने। अरे दिल्ली पुलिस ने इतना शरीफ समझा बिना ठक के अंदर कर देगी है? चल चल थाने चल, तन्ने मोटाऊं अभी। मैडम रिश्वत लेना कानूनी अपराध है। और घूस लेना? उसकी पता नहीं, ये रख लेता हूँ। चलिए। मुझे तुम्हारी स्टोरी जाननी है। काहे? क्योंकि मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? अरे हमारा तो कोनो नाम ही नहीं है। हम अपने गोला पर बॉस था, और जब हम यहाँ आया हमने देखा बहुत ही लोग हमें जानता था, बस उन्होंने बॉस के बाद डीके और जोड़ दिया। ओ तो तुम डीके हो? और डीके बोलो तो ज्यादा अच्छा। हम आपको बताएं, कौन ससुरा हमारे स्पेसशिप का रिमोट वा चुरा के ले गया। हम उसे ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गया सर, वो हमारा रिमोट वा चोरी हो गया। अरे बाबड़ी पूछ, पुलिस वाले को यही काम रहेगा जो थारे 3D LED फुल HD टीवी का रिमोट ढूंढते फिरे। 3D LED फुल HD टीवी का रिमोट नहीं था वो। फिर किसका था? वो हम नहीं बता सकता, वो हमारे स्पेसशिप का रिमोट था। स्पेसशिप? तब ठीक है के? अरे चल यहाँ से, शायद कोई होगा जो थारी मदद करेगा। 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 जो थारी मदद करेगा। कोई होगा जो थारी मदद करेगा। जो थारी मदद करेगा। कोई होगा जो थारी मदद करेगा। बेटा भरोसा रख, कोई तो तुझे मिल ही जाएगा जो तेरी मदद करेगा। कोई तो तुझे। चलिए एक बार वही पंक्तियां फिर गुनगुना लेते हैं कि बुरा ना मानिए ये नया साल है। जी हाँ, आप बुरा ना माने और खबरों के नजरिए से व्यंग कैसे निकलकर सामने आ जाता है, यही एकमात्र यहाँ पर डी लाइव न्यूज की एक नई अनुपम कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और बात बॉलीवुड इंडस्ट्री की पिछले सेगमेंट में शुरू हुई थी उसे ही आगे बढ़ाते हैं। सूरज बड़जात्या, जी हाँ ये वो नाम है फिल्म जगत का या बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जो सदैव से पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर रहा है, या कहा जाए पूरा का पूरा बड़जात्या परिवार, बड़जात्या फैमिली पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट परोसने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचाना जाता है। लेकिन अब की बार सूरज बड़जात्या कहीं मात खा गए और प्रेम रतन धन पायो, उनकी इस फिल्म ने बीते साल 2015 में इतने ज़्यादा क्रिटिक्स जो है यहाँ पर झेले हैं, या कहा जाए तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री पर लिखे जाने वाले आलोचना भरे आलेख प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म पर लिखे गए हैं, जिसकी वजह से सूरज बड़जात्या को साल 2015 का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आना पड़ा है। ऐसे में उनकी फिल्म हिट रही, सुपर हिट रही या एवरेज रही, ये तो जरा दूर की बात है, लेकिन आलोचना के कटाक्ष में सूरज बड़जात्या ने कौन कौन सा यहाँ पर रतन धन पाया है ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए प्रेम रतन धन पायो पर तैयार किया गया बॉलीवुड इंडस्ट्री और खासतौर पर सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये स्कूप भी बेहद ही चर्चाओं में रहा। जरा आप और हम भी देख लेते हैं कि सूरज बड़जात्या पर कौन कौन से आलोचना के बाण चलाए गए। माधुरियाती सोनालियाती सबको छोड़ के
90s में काट के प्रेम अंकल आया। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। Why is this set so big? I need a bigger set. My presence is just like my flat chest. No one gives a fuck about it. iPhone? No, I want Salman. Laptop? No, I want Salman. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर कहते हैं कि बुरा ना मानो, नया साल है। यूं तो धर्म में आडंबर इतना ज्यादा हो गया है कि ग्लैमर का तड़का भी अब हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत देश के साधु संत समाज पर भी नजर आने लगा है। और इन्हीं में से एक थी ग्लैमरस संत राधे माँ, जो कि बीते साल 2015 में सबकी जुबां पर चढ़ गई। और कहीं ना कहीं निगाहों से दूर रहने वाली राधे माँ पूरे देश की निगाह में आ गई। राधे माँ को लेकर बहुत सारे आलोचना के कटाक्ष भी चले। और मुंबई एयरपोर्ट पर जब उनका सामना मीडिया के कैमरों से हुआ तो अपने पर लगे तमाम आरोप, या कहा जाए उनकी बचकाना हरकतें, जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो राधे माँ की बोलती बंद हो गई। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में कोर्ट का यानी कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दे डाली, लेकिन मीडिया कहां मानने वाली थी। सच्चाई उजागर होती है और उजागर होकर रहती है, लिहाजा वो तमाम वीडियो जिसमें ग्लैमरस संत राधे माँ कहीं किसी फिल्मी सॉन्ग पर थिरकती नजर आ रही हैं, तो कहीं बात बेबात अपने रोमांटिक एंगल्स को परिभाषित कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ऐसे में राधे माँ की फौज भला कैसे करेगी मौज, ये संकट सबके सामने बीते साल 2015 में खड़ा हो गया। उम्मीद है कि नए साल 2016 में इस तरह के ग्लैमरस साधु संत कहीं सामने ना आए, बेपर्दा ना हो, और उनकी ये तमाम बचकाना हरकतें कहीं मीडिया के कैमरों में ना जाए, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। लिहाजा आगे बढ़ते हैं और ग्लैमरस संत राधे माँ की फौज कैसे करेगी मौज, जरा इन पंक्तियों के जरिए सुन देख लेते हैं। सीना ताने सीना ताने
जाने कूद पड़े जीवन की जंग में, सीना ताने कूद पड़े जीवन की जंग में। डरने की क्या बात जब मेरी राधे संग है, ओ हम है फौज राधे की, देख लो मौज राधे की, ओ हम है फौज राधे की, देख लो मौज राधे की। सीना ताने कूद पड़े जीवन की जंग में, सीना ताने कूद पड़े जीवन की जंग में। डरने की क्या बात जब मेरी राधे संग है, ओ हम है फौज राधे की, देख लो मौज राधे की, ओ हम है फौज राधे की, देख लो मौज राधे की। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर मैं तो कह ही रहा हूं, आप भी दोहरा लीजिए कि बुरा ना मानिए, ये नया साल है। जी हाँ, नए साल 2016 की ये दस्तक है और कहीं किसी हस्ती, कहीं किसी व्यक्तित्व को बुरा ना लगे, यही हमारी कोशिश है। लेकिन व्यंग कहाँ मानने वाला है, आलोचना का कटाक्ष जरूर गंभीर रास्ते पर अपनी अडिग राह को पूरा कर लेता है, मंजिल पा लेता है, लेकिन व्यंग के जरिए पत्रकारिता की परिभाषा को परिपूर्ण करना ही ये सेगमेंट के जरिए हमारी कोशिश है। और आगे बढ़ते हैं और अगली बारी है, जी हाँ, एक तारीख आपको जरा यहाँ पर याद दिलाता हूँ, 25 अक्टूबर 2015। जी हाँ, बीते साल 2015 की 25 अक्टूबर को छोटा राजन, जी हाँ, डी कंपनी का वो अहम हिस्सा जिसकी निगाह जो है पूरी दुनिया पर रहती है और अंडरवर्ल्ड का डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम से नाता तोड़कर जब छोटा राजन अपना साम्राज्य फैलाने के लिए पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाकर खड़ा था, तो हिंदुस्तान देश ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, हिंदुस्तान की पुलिस के कब्जे में जब छोटा राजन आया तो इंडोनेशिया से इंडिया तक का सफर बहुत सारी खबरें पीछे छोड़ गया और बीते साल 2015 में छोटा राजन को बना गया साल 2015 का सबसे बड़ा चेहरा। इस बम्बई में भाई लोगों का राज है, इस बम्बई में भाई लोगों का राज है, जहाँ भी जाऊँ भाई भाई राज है, इस बम्बई में भाई लोगों का राज है। कोई भाई कहता है तुझको, कोई भाऊ कहता है तुझको, कोई नाना कहता है तुझको, कोई दादा कहता है तुझको। सलाम जो मारे हर कोई, समझो वो ही भाई है। इस बम्बई में अपुन का ही राज है, इस बम्बई में भाई लोगों का राज है। मचाई बम्बई से चेंबूर तक, हाहाकार मचाई, हाहाकार मचाई, हाहाकार मचाई। चेंबूर का हूँ भाई, कैसी धूम मचाई बम्बई से चेंबूर तक,
हाहाकार मचाई। सलाम जो मारे हर कोई, समझो वो ही भाई है। इस बम्बई में अपन का ही राज है, इस बम्बई में भाई लोगों का राज है। चलिए, बहुत हुआ आलोचना का कटाक्ष। एक बार फिर वही संदेश जनहित में जारी है कि बुरा न मानो, नया साल है। आगे बढ़ते हैं। जय और वीरू। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय और वीरू की राजनीतिक जुगलबंदी पूरे साल यानी कि बीते साल 2015 में चर्चाओं में भी रही, सुर्खियों में भी रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीम मोदी यानी कि मोदी सरकार के तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी सुर्खियों में तो जरूर रहे, लेकिन उनकी चीनी कहा जाए जरा कम कम ही रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं तो पूरे विश्व, पूरी दुनिया ने देखी और हिंदुस्तान में उस पर बहस भी हुई, चर्चा भी हुई, विश्लेषण भी हुआ और समीक्षाएं भी लिखी गईं। लेकिन कहीं टीम मोदी का नामो निशान नहीं रहा। विदेश मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर ज्यादा नहीं जा पाए बनिस्बत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लिहाजा साल 2015 के उन तमाम बड़े चेहरों में मोदी मंत्रिमंडल के वो तमाम सदस्य भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं बात बेबात एक कदम पीछे जरूर रहे, लेकिन कहला गए टीम मोदी के सबसे बड़े साल 2015 के ये तमाम चेहरे। अबे हमारा पासे 2826 आरा रा 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 वी आर इन पावर कर दी दुनिया मोटी में इस लाइट ना ब्राफ्री के मली दिस यार सुवाचे देर इज आम्रा स्टोकला थेपला एंड चास बट देर इज नो बियर पीएम थैंक यू टू मारो वीजा वीडियो आई बिल्ड रोड फॉर यू चलिए, एक बार फिर संदेश जनहित में जारी है कि बुरा न मानो, नया साल है। सोशल मीडिया इन दिनों ऐसा प्रचलित हो चला है या कहा जाए उसकी रीच इतनी ज्यादा हो चली है कि चाहे युवा वर्ग हो या हमारे समाज का कोई भी हिस्सा, वो इससे अछूता नहीं रहा है। और सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आज के स्टेटस सिंबल में भी शामिल हो गया है। किस तरह से आज के नौजवान सोशल मीडिया पर सदैव हेडलाइंस का हिस्सा रहने वाले चेहरों को भी साल 2015 के बड़े चेहरों में शुमार करते हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी या कहा जाए बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी सोशल मीडिया के जरिए बीते साल 2015 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते नजर आए। बात बिहार चुनाव की रही हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करने की, बॉलीवुड के शॉटगन हमेशा से आगे रहे हैं और उम्मीद है आगे भी रहेंगे। लेकिन साल 2016 में ये दिशा उनकी नकारात्मक से सकारात्मक होगी, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस के युवराज यानी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सोशल मीडिया के कैनवास पर हर कोने में अपना चेहरा चिपकाते नजर आए। लिहाजा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और बॉलीवुड यानी कि भाजपा के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी सोशल मीडिया पर कहीं कमतर साबित नहीं हुए। लिहाजा ये दोनों ही चेहरे पिछले साल के बड़े चेहरों की सूची में शुमार हो गए। जरा देख लेते हैं कि किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा अब राहुल गांधी को कह रहे हैं कि चंदा है तू, राजा है तू। सूरज है तू।
चलिए आगे बढ़ते हैं और साल 2015 के आखिरी चेहरे की बात कर लेते हैं। जी हाँ, हमने बात की अब तक 14 फेसेस ऑफ 2015 की, अब बारी है 15th फेस जानने की, यानी कि 15वां चेहरा उजागर करने की, बेपर्दा करने की। खबरों के नजरिए से यूं तो बहुत सारे चेहरे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अहमदाबाद का नौजवान हार्दिक पटेल भी शामिल है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्सी के जरिए या कहा जाए आरोपों के बाद अखबारों के पहले पन्ने पर स्थान पा जाते हैं। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली का। जी हाँ, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA में तमाम घपले और घोटालों के आरोप के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने अपने बेबाक बयानों के बोल मीडिया के कैमरों के सामने जारी किए तो अरुण जेटली की मुश्किलें यहां पर बढ़ गईं। और बीते साल 2015 के जाते जाते कहा यह जाता है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन अरुण जेटली के लिए साल 2015 भारी साबित हुआ और जाते जाते दिसंबर के महीने में उन पर इतने ज़्यादा आरोप लग गए कि बीते 11 महीनों की कहानी तो पीछे भुला दी गई और 12वें महीने यानी कि दिसंबर में अरुण जेटली पर तमाम लगे भ्रष्टाचार, घोटाले और घपलों के आरोप और खेल जगत में सियासतदारों की कहीं ना कहीं रसूखदारी भी खुलकर सामने आ गई। ऐसे में अब अरुण जेटली यहां पर खड़े हैं डेंजर जोन में। देखना होगा कि नए साल 2016 में कैसे अरुण जेटली इन 15 फेसेस ऑफ 2015 की बुरी शैली में से अच्छी शैली में आ पाते हैं, ये बेहद लाजमी होगा। इसीलिए जाते जाते देख लेते हैं कि ये 15वां चेहरा किस तरह से बीते साल में सुर्खियां बटोरता नजर आया। चलिए, ये वो 15 चेहरे थे जो कि साल 2015 के सबसे बड़े चेहरों की फहरिस्त में शुमार थे और यही वो 15 फेसेस हैं जो कि 2015 की कहानी को जब जब पन्ने पलटकर देखा जाएगा तो खुलकर सामने आ जाएंगे और इनकी कार्यशैली या कहा जाए तमाम विवादास्पद इनसे जुड़े मामले बेपर्दा होते चले जाएंगे। उम्मीद है कि नए साल 2016 की दस्तक के साथ ही आप और हम भी सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने का एक नया संकल्प यहाँ पर दोहराएंगे और जाते जाते फिर और आप हम यही संदेश जनहित में जारी करेंगे कि बुरा न मानो, नया साल है। आप सभी दर्शकों को नया साल मुबारकबाद। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।